बुलंदशहर के एक चित्रकार राजेश वैद्य ने लकड़ी की फ्रेम पर नक्काशी करके हिंदवी स्वराज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक साकारने का प्रयत्न किया है। राजेश वैद्य पिछले 1.5 महीने से ये काम कर रहे हैं और वो लकड़ी की फ्रेम पर नक्काशी करके छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक को मनाने वाले उत्तरी महाराष्ट्र के पहले चित्रकार है। छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक दिवस 6 जून का मनाया जाता है। इस पृष्ठभूमि में धूले के एक चित्रकार राजेश वैद्य ने लकड़ी के फ्रेम पर नक्काशी करके छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक के उस प्रसंग को पुनर्जीवित करने की कोशिश की है। आप शिवराज्याभिषेक की कई पेंटिंग देख सकते हैं, लेकिन राजेश वैद्य ने पेंटिंग से परे जाकर कुछ नया करने की कोशिश की और उन्होंने 36 मिलीमीटर MDF लकड़ी के फ्रेम पर शिवराज्याभिषेक साकारने का फैसला किया, जिसमें छत्रपति शिवाजी महाराज, राजमाता जिजाऊ और छत्रपति संभाजी महाराज का भी समावेश है। पेंटिंग का कार्य अपने अंतिम चरण में है। चित्रकार राजेश वैद्य ने इसे जीवंत करने के लिए 3D इफेक्ट देने की कोशिश की है। राजेश वैद्य धुळे येथील चित्रकार, महाराष्ट्राचे आराध्य दैवत छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्यावरती काहीतरी करावं चित्रकलेच्या दृष्टिकोनातून हा विचार आतापर्यंत बरेच चित्र त्याच्यावर महाराजांनी काढलेले आहेत, वेगवेगळ्या आर्टिस्टने, मी सुद्धा काढलेले आहेत, परंतु भव्य आणि दिव्य म्हणण्यापेक्षा काहीतरी वेगळं करावं हा विचार मी केला आणि लाकडात 3x6 फुटाच्या MDF लाकडात जी 36 mm ची जी डेप्थ आहे त्या लाकडात मी 27 mm हा महाराजांचं पूर्ण राज्याभिषेक कोरलेला आहे। कोरल्यानंतर त्याला पेंटिंग सुरू केली आणि ती पेंटिंग आता पूर्ण होण्याच्या मार्गावरती, काही दिवसात ते पूर्ण होईल आणि ही सगळ्या लोकांना प्रेरणा मिळावी त्या चित्रापासून आणि ज्यांना कोणाला हे पाहिजे असेल वेगवेगळ्या संस्थेमध्ये म्हणा किंवा कुठल्या घरामध्ये लावण्याकरता अतिशय कमी खर्चात आपण त्यांना ते प्रोव्हाइड करू। जवळपास याचा कोरण्याचाच खर्च 10,000 रुपये आणि पूर्ण पेंटिंगचा खर्च 10,000 आसपास आहे। ते 25,000 आपण ते चित्र पूर्ण जाईल, ज्याला कोणाला हवं असेल अतिशय कमी माफक दरात आपण ते दुसऱ्या देण्याचा प्रयत्न करू। लव यू दीपिका, बाय। सब जानना चाहते हैं मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि।